पशु पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी में शीतल जल एवं खाने को जरूर रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर नगर निगम का बजट आज पेश होने जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और MIC मेंबर बजट पेश करने के पहले राजवाड़ा चौक पहुंचे, जहां अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए MIC मेंबर ऑफ महापौर सिटी बस में रवाना हुए। दरअसल इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अहिल्या माता का आशीर्वाद देकर 2023-24 का बजट आज इंदौर के विकास की दृष्टि से, विकास की रफ्तार की दृष्टि से पेश होगा। इंदौर को 16 डिजिटल डेवलप्ड सिटी बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश और संभवतः देश का ये पहला पेपरलेस और ई बजट होगा। इस दौरान मेयर ने एक सवाल के जवाब में विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, शहर के विकास पर सकारात्मक रूप से बजट सत्र में चर्चा होनी चाहिए और वो जो मुद्दे लेकर आए हैं उन्हें हम देखेंगे। इंदौर की पालनकर्ता माँ अहिल्याबाई का आशीर्वाद लेकर हम वर्ष 2023-24 का बजट आज आने वाले इंदौर की दृष्टि से, विकास की तेज रफ्तार की दृष्टि से, इंदौर को 16 डिजिटल और डेवलप्ड सिटी बनाने की दृष्टि से प्रस्तुत करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का पहला और संभवतः देश का भी पहला पेपरलेस और ये ई बजट होगा। विपक्ष जो है कुछ मुद्दे ऐसे लेकर आई है, जैसे एक चैम्बर का मुद्दा है, इसके अलावा कई मुद्दे लेकर आ रही है। विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, ये बजट सत्र है, शहर के विकास पर सकारात्मक रूप से चर्चा होनी चाहिए, वो जो मुद्दे लेके आए हैं उनको हम देखेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।